जोड़ के रख रहा हूँ अपने छोटे मुसद्दी के लिए। लेकिन इनकम टैक्स तो भरा करो, पता है पिछले बार गुप्ता जी के यहाँ रेड लगी थी, सब ले गए। क्या सुबह सुबह कौन आ गया है? ओ गॉड, कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं आ गए? कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे अरे, इनकम टैक्स वाला आ गए। अच्छा छुपाओ छुपाओ इसको, छुपाओ जल्दी से छुपाओ। क्या कर रही है तुम? छोटे मुसद्दी को क्या छुपाना, तुम पैसे छुपाओ पैसे। हाँ, इसको मत छुपाओ, पैसे छुपाओ। तुम क्या कर रही है? ये लेके तुम अंदर छोड़ो। चलो चलो, बाकी मैं लेके आता हूँ। ऐसा इसको किचन के अंदर रख देना। नहीं, मिठाई का डब्बा रखता हूँ बाथरूम के अंदर और पैसे रखता हूँ किचन के अंदर। रख दिया ना, छुपा दिया ना। ये तो यही थी। घबराना मत, बिल्कुल डोंट वरी। खोलता हूँ दरवाजा। हाँ खोलो। क्या बात है भाई, एक बार मैंने आपसे कहा है ना। अरे ऐसे कैसे घर के अंदर कुछ चले आ रहे हैं आप लोग, जैसे आप वो कट डिपार्टमेंट वाले हो। हाँ हम वही हैं। आप कट डिपार्टमेंट वाले? कोई अच्छा प्रूफ क्या है आपके पास कि आप कट डिपार्टमेंट वाले हैं? आपको हम चंदा मांगने वाले नजर आते हैं। शक्ल से तो चंदा मांगने वाले नजर आते हैं। बस यही प्रूफ है। लेकिन आप वाकई चंदा मांगने वाले नहीं हैं, इसका क्या प्रूफ है? कोई कार्ड है आपके पास? यही तो कार्ड तुम्हें घर छोड़ आई। बताओ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम? बाथरूम में तो कुछ है ही नहीं। मुझे यूज करना है। ऐसा कैसे? मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, बाथरूम मिस यूज नहीं करने दूंगा मैं। बड़े यूजलेस आदमी है आप। क्या कह रहे हैं, कौन सा लेस आदमी हूं मैं? बड़े यूजलेस आदमी है आप। मोस्ट वेलकम, पूरा घर आपका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां आप जो चाहे कर सकते हैं। अचानक कैसे ठंडा हो गया? जी मुझे पता चल गया कि आप वाकई कर डिपार्टमेंट वाले हैं। कैसे कैसे पता चल गया? हमने तो आई कार्ड भी नहीं दिखाया। नहीं उसकी अब जरूरत नहीं है ना। क्या है सर कि दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, जो किसी के घर में घुस के कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं, पान तक थूक सकते हैं। कौन कौन? एक तो पुलिस वाले और एक कर डिपार्टमेंट वाले। और इन दोनों से ही मैं पंगा नहीं ले सकता ना सर। ठीक है ठीक है, आप बताओ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम मैडम जहाँ आप समझे, यहाँ चाहे तो। क्या नहीं मतलब, मतलब ये पूरा घर ही बाथरूम है आपके लिए। आप ऐसे कीजिए, सीधे चले जाइए, वहां से इधर टर्न कर जाइएगा। थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। भाटिया जी कार्यवाही शुरू करो भाई। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। किचन किधर है? किचन? किचन क्यों भाई? सबसे पहले खाने पीने का इंतजाम करना होगा, पता नहीं कितनी देर लग गया सर। लेकिन क्या है कि मेरे किचन में आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं बहुत ही गरीब सा आदमी हूँ। इसका मतलब बहुत माल मिलेगा यहाँ? क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब आप दिमाग पर जोर मत डालिए, आप किनारे खड़े हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। ओके पांडे जी, शुक्ला जी, आप टॉयलेट में जाइए। अभी फील नहीं हो रहा सर। अबे फील करने को नहीं बोल रहे हैं, तलाशी लेने को कह रहे हैं, जाओ वहाँ पे कुछ मिलेगा। उषा जी मिलेंगे अभी वहाँ, लोग आ गए। ओके नाउ शुक्ला जी, पांडे जी, गो टू टॉयलेट। भाटिया जी। सर मैं किचन में जाता हूँ। ओके उषा जी आप मेरे साथ बेडरूम में चलिए। क्या? नहीं आई मीन आप बेडरूम में जाइए, मैं यहाँ हॉल का हाल देखता हूँ। जी मिस्टर मुसद्दीलाल अग्रवाल, लास्ट टाइम कितना टैक्स भरा था आपने? जी वो इनकम ही नहीं हुई तो मैं टैक्स कहाँ से भरता। इनकम नहीं हुई? जी नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे जनरली कितनी इनकम है आपकी? टैक्स कितने में लगता है? 60,000 से ऊपर। तो यही कोई 59,000 के करीब रही होगी। महीने की ना? टैक्स महीने के हिसाब से लगता है? नहीं वो तो साल के हिसाब से लगता है। तो 59,000 हुए 2 साल में। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि साल में 30,000 से भी कम और महीने में 2,500 से भी कम आप कमाते हैं। ये तुम्हारी बीवी है? जी ये नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है, मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? ये तो मेरी विधवा बहन है। क्या मतलब? वो आपने सुना होगा ना, गरीबी में आटा गीला। शादी करके गई अकेली, बच्चा लेके आ गई वापस। देखो ईमानदारी से बता दो कि कितनी इनकम है और माल कहाँ छुपाया है, वरना हम ढूंढेंगे तो दो बातें होगी, या तो माल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो बच गए बच्चों, मगर माल मिल गया तो दो बातें होगी, या तो सारा माल हम साथ ले जाएंगे या तो यहाँ बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। अगर यहाँ बैठ कर हिसाब किताब हुआ तो अच्छा है, मगर हम साथ ले गए तो दो बातें होगी, या तो आपको अपना माल वापस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिल गया तो गनीमत समझो, अगर नहीं मिला तो ढूंढते रह जाओगे। यार क्यों अपना पूरा माल सामान गंवाना चाहते हो, उसे तो यहाँ बैठे ही है तो हिसाब किताब कर लेते हैं। हिसाब किताब कैसे करूं सर, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो। ठीक है हम ढूंढ लेंगे। अरे ये क्या करने जा रहे हैं आप? अभी दिख जाएगा,
तलाशी। अरे लेकिन देखिए देखिए इस कुशन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ तो कहाँ है? अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। ओ मिस्टर मुसद्दी, आप अपनी बहन को समझा दो कि सरकारी काम में दखल ना दें। देखो बहन, हाँ? तुम जाओ ना वहाँ, देखो बेडरूम के अंदर दीदी क्या कर रही हैं। अच्छा देखिए सर, आप बिना वजह आपने ये कुशन फाड़ दिया, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो कहाँ है? वाओ क्या साड़ी है, मेरी माँ ने दी थी। अच्छा कम से कम 400-500 की तो होगी, ज्यादा महंगी तो नहीं लगती? अरे नहीं, 4000 की है। अच्छा लिखो लिखो, 4000 की एक साड़ी। और ये कितने की है? ये ना 5000 की है। हाँ? और ये पूरे 7000 की है। क्या बात कर रही हो, वाह लिखो ना लिखो, उसमें एक 5000 की और एक 7000 की। नेकलेस कम से कम 1.5 तोले का होगा ना? नहीं ये तो पूरे 5 तोले का है। क्या बात कर रही हो, लिखो 5 तोले का एक हार। नहीं नहीं नहीं, ये तो नकली है मैडम। क्या क्या, मेरी माँ के दिए हुए हार को तुम नकली कहते हो? ये 25000 का है। अच्छा लिखो 25000। मुराबी क्या, ये कर डिपार्टमेंट वाले हैं, इनके सामने बड़ा चढ़ा के मत बोलो। क्यों क्यों क्यों, मिसेस तलवार अपनी 200 रुपए की साड़ी का कीमत 10000 बोलती है, मैंने तो सिर्फ 5 बोला है। ये कर डिपार्टमेंट वाले हैं, ले जाएंगे सब कुछ। ऐसे कैसे ले सकते हैं? ए ए ए निकाल मेरा हाथ। ए हाथ नहीं लगाना, क्या बोल इसकी प्राइस क्या है, बोलती जा चल। वो मैं बताता हूँ मैडम आपको, वो पहली वाली जो है ना, ये 100 रुपए की। क्या नहीं, 6000 की है। तो चुप कर, ये 100 रुपए की है मैडम, मैं लेने के लिए गया था, पता नहीं कैसी बीवी दे दी है भगवान ने मुझे। क्या कहा, बीवी? लेकिन बाहर तो तुमने ये कहा था कि ये तुम्हारी विधवा बहन है। हाँ तो ये मेरी विधवा बहन ही है। हाँ लेकिन अभी तुमने ये कहा कि कैसी बीवी पल्ले पड़ी है। नहीं नहीं, मैंने कहा कि कैसी विधवा बहन पल्ले पड़ी है, तू बाहर जा जा जा। नहीं नहीं, अरे ऐसा कैसे जाएगी, इसकी तलाशी लो, इसकी बहन की तलाशी लो। मैं नहीं दूंगी तलाशी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी, उषा जी तलाशी लो। जी एक सेकंड, तलाशी तो लें लेकिन तुम तो पहले बाहर जाओ। हाँ ओके मैं जा रहा हूँ, उषा जी तलाशी लो, और जब तक आप मेरे साथ बाहर आइए मैं आपकी तलाशी लूंगा। ओके देखो तुम घबराना नहीं, मैं यहीं पास में ही हूँ। तुम हो इसलिए तो घबरा रही हूँ। चलो चलो बाहर चलो, सीधी तरह खड़ी रहे ऐसी। अरे तलाशी तो लेने। अरे हाथ मत लगाओ। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई? तलाशी ले रहा हूँ भाई, हो सकता है आपने बर्तनों में नोट छुपा रखे हो। तो बर्तनों के अंदर ढूंढिए ना, ये लड्डू क्यों हाथ में पकड़ रखे आपने और खा रहे हैं? लड्डू खा नहीं रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। मालूम है लास्ट टाइम एक आदमी ने लड्डुओं में हीरे छुपा रखे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने उसको खिला के देख लिया। तो फिर क्या हुआ? टपक गया। आप खाएंगे लड्डू? नहीं मैं नहीं खाऊंगा लड्डू। इसका मतलब आपके लड्डुओं में भी हीरे होने के चांसेस हैं? नहीं है इसके अंदर। नहीं है। खा के रहो, बाकी का डब्बा तो रख दो। डब्बा क्यों ले जा रहे हो? यहाँ क्या देख रहे हैं? अरे भैया कुछ पता नहीं है लोग कहाँ का नोट छुपाते हैं। नहीं है। नहीं नहीं, इन डब्बों में तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये तो करना पड़ेगा ना। अरे क्यों 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 चेक क्यों कर रहे हैं आप? अरे एक बार देखना पड़ेगा भाई। नहीं सर, अरे छोड़ ना। अरे सर सुनिए, क्या क्या ये क्या है ये? नहीं वो इसके अंदर रुपए थे, मुझे तो मतलब। अरे रुपए की बात, रुपए रुपए मिल गए। वाह बेटा, आटे के डब्बे में रुपए नहीं होते, और कहाँ का छुपा रखे नोट? मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है वो? मैं कहाँ, ये मैं ये बस करके आ रहा हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे रुई का गुलाब। सर सर, उषा जी कुछ मिला? जी मिला ना, ये नेकलेस, ये साड़ियाँ, ये महंगे महंगे जेवरात, और सर ये पैसे इसके कपड़े में से मिले। क्या कपड़े के अंदर पैसे छुपा दिए? यही तो। सर सर, आटे में तो ये मिला, ये ये एलियन कौन है? सर मैं हूँ, मैं। तो भाटिया आटा खा रहे थे क्या? नहीं सर, लड्डू लड्डू। और वो कहाँ है, पांडे जी शुक्ला कहाँ है? यस सर। क्या हुआ, बाथरूम में से कुछ मिला? नो सर, दीवार तोड़ी उसके पीछे से निकला कुछ नहीं। जमीन खोदी वहां से भी कुछ नहीं निकला। छत तोड़ा तो उसमें से निकला क्या? क्या पानी। वो लिस्ट बनाओ और वो बताओ वो कहाँ है वो मुसद्दीलाल? पड़ोसी के यहाँ गया। पड़ोसी के यहाँ टॉयलेट यूज करने सर। लो आ गया मुसद्दीलाल, हम लूट गए, ये लोग हमारा सारा सामान ले लिए। भाई मुसद्दीलाल जी, ये सारा सामान आपके यहाँ से मिला है? ये सब आपका है? हाँ बोलोगे तो फंसोगे, ना बोलोगे तो हम ले जाएंगे। मैं ले जाने नहीं दूंगा,
ये सारा सामान तो मैंने एक एक पाई करके जोड़ा है। ये देखिए मेरा छोटा सा मुसद्दीलाल जूनियर, इसके लिए जोड़ा, ये माल ले जाने दूंगा मैं। प्यारा बच्चा है किसका? किसका है? अरे मेरा है, और किसका है? यही तो माँ का है इसकी। अरे सामने दिखाई नहीं दे रही आपको माँ इसकी? क्या, अभी अभी तो कह रहे थे कि ये आपकी विधवा बहन है। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि तब तक आप लोगों को कोई सामान या माल वगैरह नहीं मिला था यहाँ से, लेकिन जब आप लोगों को ये ब्लैक का पैसा मिल ही गया है तो फिर अपनी छुपाई हुई ब्लैक की बीवी को सामने लाने में क्या हर्ज है? मतलब ये माल आपका? लिख के दूं? हाँ लिख के दीजिए कि ये माल आपका है। बाटिया जी फाइल रेडी रखो। अभी नहीं पटेल साहब, लंच टाइम हो रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। उदयदीलाल जी आपके घर आए हैं, कुछ खाने के लिए मंगवाइए। चलिए, ऐसे कैसे खाने के लिए मंगवा लूं? तुम्हें इससे बात करो, कर विभाग वाले हैं समझे आप। लंच टाइम में स्टाफ का खाना आपकी जिम्मेदारी है। अरे मैं नहीं खिलाता खाना। अरे जैसे कहते हैं ना कर दो, वो गुप्ता जी भी ना खिला पिला कर ही रफा दफा किए थे। ओके ओके, कर विभाग के स्टाफ मेंबर्स, मैं आप सब लोगों को पार्टी देने के लिए तैयार। अरे मैडम आप यहाँ, वहाँ बाहर आइसक्रीम आ गई है, आइए चलिए आइसक्रीम खाइए। एक घंटे से आप फोन पे बात कर रही हैं। वो नहीं नहीं, मैं पार्टी में हूँ ना, हमारे क्लाइंट के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, उसकी खुशी में पार्टी दे रहे हैं वो। हाँ हाँ कह दूंगी, एक मिनट ना भाई साहब, मेरी दीदी आपको बधाई देना चाहती है। अच्छा अच्छा, हाँ दीदी दीदी थैंक यू, ये वाली दीदी बहुत अच्छी है दीदी। अच्छा दीदी लीजिए, इन वाली दीदी से बात कीजिए, लीजिए दीदी। हाँ तो दीदी मैं क्या कह रही थी? देखिए मेरा ख्याल है वो आइसक्रीम आप खा लीजिए, नहीं तो सारी की सारी पिघल जाए। अच्छा एक काम क्यों नहीं करती हैं आप? आप अपनी बहन को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? नहीं वो यहाँ नहीं आ सकती। आप वैसे कह रही हैं जैसे आप कलकत्ते बात कर रही हूँ। नहीं कलकत्ते नहीं, कनाडा बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कनाडा से फोन आया था? आया नहीं, किया है। अच्छा आपने आपने यहाँ से कनाडा फोन किया था? जी डेढ़ घंटे से मात कर रही है जी। नहीं नहीं कुछ नहीं, गिर गया वो। उठो मुसद्दी, ये तो होश में ही नहीं आ रहे। भाभी सदमा लग गया इनको। हाँ मगर इसे तो हमें देखकर ही बेहोश हो जाना चाहिए था, मजबूत हड्डी है, पूरी रेड झेल गया। चलो अब समेटो सब। फाइन लिस्ट तैयार है? हाँ बस तैयार है, इनके साइन होना बाकी है। अरे साइन कैसे करेगा, बेहोश है ना ये। अरे हम खुद कर देते हैं ना, कौन मिलाने आ रहा है यार। मुझे तुम क्या कर रहे हैं आप, मेरे सारे का सारा घर का सामान ले जाएंगे आप, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरे जहेज का सामान। अरे तो होश में आ गया? हाँ तो सुना दो इसे क्या क्या सब हुआ है वो। भाई मुसद्दीलाल अग्रवाल जी, जी बल मुसद्दीलाल अग्रवाल सीनियर जी, जी आपके घर इनकम टैक्स की रेड में 1.5 लाख रुपया कैश, 2 लाख रुपए की ज्वेलरी, 1 लाख रुपए की साड़ी और 1 लाख रुपए के गुमनाम कागज जब्त हुए हैं। सारे का सारा ले जाओगे? हाँ और एक प्राइवेट डायरी भी मिली है जिसमें आपके सीक्रेट ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा है कि आपने किसे किसे पैसा दिया है। अरे मैंने आज तक अपने बाप को पैसा नहीं दिया, किसको दूंगा? हाँ बाप को नहीं दिया है मगर लिखा है बेनिया 20। बेनिया 20? हाँ ये मिस्टर बेनिया कौन है जिसे आपने 20 लाख रुपए दिए है? 20 लाख रुपए कौन है ये मिस्टर बेनिया? मिस्टर बेनिया? अरे मिस्टर बेनिया नहीं है, बनिया है, वो यहाँ जो गली के नुक्कड़ में रहता है, उसको 20 रुपए देने हैं मैंने। क्या सबूत है? सबूत तो वो, आप उस बनिया को बुला लीजिए, वो देगा गवाही। उसकी गवाही तो सीबीआई लेगी। सीबीआई? हाँ सीबीआई पूरी जांच करेगी, और वैसे भी तुम्हारे असली खाते के बारे में तो अभी पता ही नहीं चला है। कौन सा असली खाता? तुम्हारे हवाला के धंधे का खाता। हवाले के धंधे का? ये बात आप किस हवाले से कह सकते हैं? भाई आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, पान रख के बोलेंगे तो क्या समझूंगा मैं, थूक दीजिए ना पान। अरे कहीं भी थूक दीजिए, पूरे घर का हाल तो एक जैसा कर रखा है आपने। वही पैसा जो यहाँ से विदेश भेजते हो, विदेश से यहाँ मंगाते हो, उसका हिसाब कौन देगा? यहाँ से विदेश भेजता हूँ, विदेश से यहाँ, क्या कह रहे हैं आप? अरे वाह तो ये महंगी महंगी इम्पोर्टेड साड़ी और ये महंगे जेवरात कहाँ से आए? ये तो मेरी माँ ने दिया था। चुप कर दीदी, ये साड़ियाँ महंगी नहीं है। अच्छा? ये साड़ियाँ बिल्कुल महंगी नहीं है, ये सब सामान बहुत ही ज्यादा सस्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ गलत फहमी हो रही है। ओ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप वो मुसद्दीलाल नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? जी हाँ मैं वो मुसद्दीलाल नहीं हूँ। आपका कहने का मतलब ये है कि हमने गलत घर में रेट डाली है? जी हाँ आपने गलत घर में रेट डाली। आपके कहने का मतलब ये है कि असली मुसद्दीलाल दो घर छोड़कर रहता है? दो घर छोड़कर रहता है? हाँ 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 हाँ, दो घर छोड़कर एक मुसद्दीलाल रहता है जिसका वहाँ हवाले का धंधा भी है। और आप चाहते हैं कि हम आपकी बात मान लें? आपको मेरी बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा, मैं तो एक बहुत ही मामूली सा दुकानदार हूँ, वो जो है ना माल रोड उसकी तीसरी गली में चौथी दुकान है मेरी स्पेयर पार्ट्स की, और मैं चोरी के स्पेयर पार्ट भी नहीं बेचता हूँ सर, मैं रियल स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ। प्लीज ये घर भी जो है ये मैंने किराए पे लिया हुआ है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम सब आपका विश्वास करें तो
तो आप सही चाहते हैं? अच्छा, मगर भाई साहब माल तो आपके यहाँ से भी जब्त हुआ है, तो वो भी करीब 5.5 लाख का, और आपने उस पर टैक्स भी नहीं दिया, तो क्या है कि पेनल्टी 60% तो आपको भरना पड़ेगा, वो हो जाएंगे लगभग 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए? अब इनकम टैक्स का रूल तो यही कहता है सर। पांडे जी इनका बिल बना दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको भाई, अगर आप सब कुछ लेकर आएंगे मेरे पास क्या बचेगा? अरे इनकम टैक्स देते नहीं, छुपाते का को इनकम टैक्स? दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को पार्टी दी थी। वाह बेटा, तुम्हें तो बेटा मिला, हमें क्या मिला लड्डू? भाई साहब, दीदी, प्लीज प्लीज आप लोग कुछ सोचिए, कुछ बीच का रास्ता निकालिए प्लीज। भाई साहब, हमारे बीच का रास्ता मानना पड़ेगा आपको। फिर नहीं कहना ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके, आप लोग सोच लीजिए। हमने ये सोचा है कि आपके सामान का 60% पेनल्टी हम नहीं काटेंगे, यानी कि हम आपसे 3.5 लाख रुपए नहीं लेंगे। थैंक यू थैंक यू। हम सिर्फ 30% ही काटेंगे। 1.5 लाख लेंगे। 1.5 लाख पर अभी परवर किया तो फिर? नहीं नहीं, पर तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। ठीक है पांडे जी, 1.5 लाख ले लो और इनका नाम लिस्ट में से काट दो। जी एक सेकंड। देखिए आप लोगों ने यह तय किया है ना कि इस सारे सामान की रियल वैल्यू का 30% लेंगे आप। हाँ हाँ वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन कैश जो है वो तो 1.5 लाख रुपया। हाँ। और जो ज्वेलरी है वो 2 लाख की है? नहीं, 2 लाख की नहीं है, 50,000 रुपए की। लेकिन आपकी बीवी ने बोला कि 2 लाख की है। नहीं नहीं, उसको तो बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। दीदी देखिए, ये जो सारा सामान आपके सामने रखा हुआ है ना, इस पूरे की कीमत जो है ये 2 लाख रुपए से ज्यादा की है ही नहीं। एक मिनट, डिसाइड कौन करेगा? मैं करूंगा, और कौन करेगा? अच्छा, नहीं मतलब आप करेंगे? हाँ तो हमने किया ना। नहीं पर ठीक से कीजिए ना, गलत कर रहे हैं आप मतलब कानूनी तौर पे करवाइए। कानूनन? अच्छा, तो पहले डायरी में मिस्टर बेनिया को 20 लाख रुपए दिए हैं, इसका हिसाब दो। 20 लाख रुपए देने हैं? 20 रुपए देने हैं। सबूत क्या है? सबूत तो नहीं नहीं, अब तो पूरा सामान ही जब्त होगा, अभी तो ऑफिस के चक्कर कटवाते हैं इसको, और अभी तो दुकान भी जाएगी। कहाँ है, कहाँ माल रोड पर? माल रोड में 3री गली में 4थी दुकान है मेरी। भाटिया नोट करो। मैं क्या नोट करूँ सर, वो CBI वाले ही नोट कर लेंगे। अरे रोको इन्हें, मेरी सारी साड़ियाँ और जेवर ले जा रहे हैं। चुप, जो मेरा दहेज ले जा रहे हैं वो। अरे वो तो ले ही जाएंगे, लेकिन मेरी साड़ियाँ। चुप हो जा, तू चुप हो जा, इनको चले जाने दे, उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। भाई साहब एक सेकंड प्लीज। ठीक है, हमें आप लोगों की सोच मंजूर, ये फाइनल डिसीजन है आपका? इतनी बार सामान उठा चुके हैं, गिरा चुके हैं। हाँ हाँ फाइनल। ओके पांडे जी, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ले लो। और मिस्टर मुसद्दीलाल, देखिए टैक्स चोरी मत करो प्लीज, टैक्स हमेशा टाइम पर और पूरा भरा करो, सरकार की मदद करो भाई। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट मुसद्दीलाल जी, कम ऑन गाइस। अरे मेरा हार। पहली बार पहले से फोन कर देना, सारा सामान पहले से बाहर निकाल के रखूंगा। क्या जरूरत क्या थी तेरे को? जरूरत क्या थी जहेज अभी लाने की? 2 दिन में बात नहीं ला सकती थी? जहेज भेजा है उन लोगों ने, 10 रुपए की गड्डी में 10 रुपए कम है। पैसा लेके आना, 10 रुपए पैसे के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हुए।